Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी. द एक्शन इज ऑन गोइंग, स्टिल गोइंग ऑन एंड हेंस कंटिन्यूस. मीन वो एक्शन जो आपका इस टाइम स्टार्ट हुआ लेकिन वो चले जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ. जैसे एक फर्ज कर लें, आपने कहा मैंने खाना खाया, मीन आप खा चुके. लेकिन जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वो बात करेंगे तो आप कहेंगे मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब वो स्टिल आपका चले जा रहा है एक्शन. इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी. एक आई एम ईटिंग, दैट्स मीन मैं खा रही. ओके, पहले मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको प्रेजेंट सेंटेंसेस की एक सिंपल सी आपको बताया था फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूले से आप आराम से प्रेजेंट बना सकते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी उसी फॉर्मूले के तहत चलेगा. सबसे पहले इसके फॉर्मूले की तरफ आते हैं. आप इसमें फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे उसमें सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आई एन जी का इजाफा करेंगे. आई एन जी के इजाफे के साथ आपका आगे ऑब्जेक्ट चला जाएगा. अब मैं आपको जो फर्स्ट सेंटेंस आपको बताया है इसको थोड़ा सा समझाऊंगी. आपके सब्जेक्ट में आई है, एम आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज किया गया है, और ईटिंग इसमें ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और जब आपने इसमें आई एन जी बनाया तो ये आपका ईटिंग हो गया. प्लस ऑब्जेक्ट के तौर पर आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइक आई एम ईटिंग बिरयानी. सो आपका ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई एम ईटिंग, और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह हम यहाँ लगा सकते हैं बिरयानी. अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो ये सेंटेंसेस तमाम ऐसे टेंस होते हैं जिनमें रहा, रही और रहे आएगा. ये आप याद रखिएगा, अगर किसी भी टेंस को आप बना रहे हैं और उसमें रहा, रही और रहे का वर्ड यूज हो रहा है तो दैट्स मीन वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. अच्छा, रहा, रही, रहे के साथ आपका रहा है आना चाहिए, मतलब है का वर्ड भी लाजमी आना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि अभी ये एक्शन आपका चल रहा है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. अब कुछ और सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं. इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी. वी आर वॉचिंग टीवी, यानी हम टीवी देख रहे हैं. ओके, दैट्स मीन कि ये एक्शन इस टाइम चल रहा है, आप इस टाइम देख रहे हैं. आपको नहीं पता आपने कितने अरसे तक इसको देखना है, दैट्स वाई. इसमें आप सिर्फ तीन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए. इसमें या तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, या इसमें हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, या आप इसमें हेल्पिंग वर्ब आर को यूज करेंगे. इन तीन हेल्पिंग वर्ब के अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, और इन तीनों के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लास्मी लगाएंगे. एक और सेंटेंस की तरफ मैं आपके पास चलती हूँ. दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं. ठीक है, जो आपके प्लेयर्स हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, दैट्स मीन रहे हैं का वर्ड आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया. इसी तरह एक और सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम, जिसमें अब आपका आर यूज हो, एम यूज हो या इस यूज हो. ठीक है, एक और सेंटेंस है हमारा, शी इज राइटिंग अ लेटर. ओके जनाब, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने के लिए सिर्फ आपको तीन चीज़ें समझनी हैं. पहली ये कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होगा. सेकंड ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी अप्लाई होगा,
एंड थर्ड ये कि हर वो सेंटेंस जिसमें रहा रही रहे आएगा उसकी आप जब भी कभी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे और उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और समझ भी आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर